प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है और अब राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1200 के पार पहुंच चुकी है, जिसमें 41 नए कोरोना पॉजिटिव केस भी शामिल हैं। इनमें से भरतपुर में 27, कोटा में 5, जयपुर, जोधपुर, अजमेर में 2-2, नागौर, जैसलमेर, बांसवाड़ा में कोरोना के 1-1 नए मामले सामने आए हैं और इसके अलावा प्रदेश में अब तक 16 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। 19 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। कोटा में कोरोना के आज 5 नए मामले सामने आए। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर कोटा से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी योगेंद्र, बताएं क्या हालात फिलहाल हैं, किस प्रकार से इलाज लगातार जारी है और क्या क्या तमाम प्रयास प्रशासन के द्वारा भी किए जा रहे हैं? मनीषा, मैं आपको बता दूं कि कोटा में लगातार कोरोना का संक्रमण अब पैर पसार रहा है। पहले ये मकबरा, चंदघटा, भीमगंज मंडी इलाके तक सीमित था, लेकिन आज ये बढ़कर बजाज खाने तक जा पहुंचा है, जहां से ये आज नए 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। तो ये अब निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए, पुलिस विभाग के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है, एक कड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण रोजाना सामने आ रहे हैं, तो एक प्रशासन के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण सफर ये रहेगा। और यहाँ पर जो कोचिंग छात्रों को भी यहाँ पर राहत दी जा रही है, जो यहाँ पे यूपी के कोचिंग छात्र हैं, उनको भी धीरे धीरे अपने घरों की ओर रवाना किया जा रहा है। अभी भी 150 बसें कोटा में मौजूद हैं, उन बसों से यूपी के छात्रों को भेजा जा रहा है, ताकि उनमें किसी भी तरह का कोई संक्रमण ना फैले, क्योंकि जो भी बच्चे यहाँ से भेजे जा रहे हैं उनकी पहले स्क्रीनिंग की जा रही है, उनको खाना खिलाया जा रहा है, पानी की बोतल, क्योंकि भीषण गर्मी है तो कहीं उनको कोई दिक्कत ना आए रास्ते में, उस हिसाब से पूरी तैयारी के साथ प्रशासन उनको भेज रहा है। और रही बात कोरोना संक्रमण की, तो जो अभी तक कोटा से 97 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, और इसमें राहत की बात ये भी है कि कुछ कोरोना पॉजिटिव मरीज यहाँ पे ठीक भी हो चुके हैं, तो ये निश्चित तौर पर एक प्रशासन के लिए राहत की बात जरूर है। लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है और कोरोना संक्रमण के मरीज सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको रोकना प्रशासन के लिए बेहद जरूरी हो गया है। बिल्कुल योगेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें प्रदेश में आज 41 नए मामले सामने आए हैं और लगातार कोरोना का कहर जारी है। 1200 के पार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। डॉक्टर्स पूरी तरह से मुस्तैद हैं, अलर्ट मोड पर हैं, लगातार इलाज करने में जुटे हुए हैं।